हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। यह हमारा 8th ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं नेमिंग देने के लिए। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफायर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम अपने इंस्ट्रक्शंस में किस तरीके से, मतलब आउटपुट स्क्रीन में किस तरीके से उन्हें प्रिंट कराएं या यूज़र से इनपुट लें, तो उन वेरिएबल्स में किस तरीके से डेटा फीड करें, उसको उस बात को हम इस अपनी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सी वेरिएबल। वेरिएबल हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अपने डेटा को फीड करते हैं, और उस कंटेनर के अंदर जितना भी हमारा डेटा है या जो भी हमारी जो भी वैल्यूज़ है वो स्टोर होते हैं उस वेरिएबल में। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक नेम लोकेशन है, और ये नेम लोकेशन जो भी हमारा डेटा है तो एक मेमोरी की तरह काम कर रही है। उस मेमोरी में आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, और उस डेटा को सेव करने के बाद उस वेरिएबल के थ्रू हम अपने उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डेटा को, और उसके थ्रू जो भी हमारे वेरिएबल्स बनाए हैं तो उन वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग कोड्स में और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसमें। और जो सी, जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं तो जो सी वेरिएबल्स बनाए हैं उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ की, और नीचे जाके वो वैल्यू जो भी हमने वैल्यू है उसकी इनिशियलाइज़ की गई जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी सी वेरिएबल की, तो वो चेंज भी हो सकते हैं बाद में, और वो कैसे चेंज होंगे वो अपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सी वेरिएबल के डेटा टाइप, मतलब जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं उन डेटा टाइप्स के जितने भी हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, तो जैसे कि हम इंट हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, कैर, डबल, लॉन्ग, तो इन डेटा टाइप्स के हम अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा को फीड कर सकते हैं। अब है हमारा कुछ रूल्स फॉर नेमिंग सी वेरिएबल। तो सबसे पहला रूल हमारा ये होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल हम बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट, जो भी हम फर्स्ट लेटर देंगे तो हमेशा लेटर ही होना चाहिए, या अगर आप लेटर नहीं दे रहे तो अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर आप नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर से आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, ये हमारे रूल में नहीं है। आप अलग अलग तरीके से अपने जो वेरिएबल्स बना सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, जैसे कि जो हमारे जो जितने भी डिजिट्स हैं और लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से भी अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं किसी वेरिएबल के बीच में, आप वेरिएबल की नेमिंग कर रहे हैं और उस वेरिएबल में आपको स्पेस देना, तो ये अलाउड नहीं है कि आप वाइट स्पेसेस नहीं दे सकते, लेकिन आप अंडरस्कोर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपने जो भी आपको लिखना है पहले शुरू में वो आपने लिख लिया, फिर अंडरस्कोर की हेल्प से उसके आगे जो भी आपको लिखना था वो आप लिख लिए। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे फंक्शंस है, फंक्शंस के नेम्स आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि हम कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स की नेमिंग करते वक्त। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सम, हाइट, अंडरस्कोर वैल्यू, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है वेरिएबल के नेम्स के। अब हम बात करेंगे डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग सी वेरिएबल। हम जैसे कि कोई भी हमने वेरिएबल बनाया है तो उसमें अगर हम किसी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो उसी को हम इनिशियलाइजिंग कहते हैं, और इनिशियलाइजिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने सिंटैक्स है, पहले हम डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं। डेटा टाइप लिखने के, जैसे हमने डेटा टाइप लिख दिया तो हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल में किस तरीके का डेटा स्टोर होने वाला है। तो सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले हम डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है इंट एक्स वाई जेड, और तो इस तरीके से देखिए कॉमा जो हमने दिया, कॉमा से हम सेपरेट कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने सेम डेटा टाइप के तो हम क्या करते हैं कि कॉमा से उन्हें सेपरेट कर देते हैं, जैसे कि इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और टर्मिनेटर से उसे टर्मिनेट कर दिया। अगर हम इसकी जगह ये भी कर सकते थे, जैसे कि इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखा हो तो हम ये भी कर सकते हैं इंट एक्स टर्मिनेट, इंट वाई टर्मिनेट, इंट जेड टर्मिनेट, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक, मतलब मुश्किल तो नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं लेकिन उसमें टाइम आपका बहुत ही वेस्ट होता क्योंकि आपको बार बार इंट लिखना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देते हैं अपने वेरिएबल्स को, और हम इजिली मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं सेम डेटा टाइप के। और उसके बाद जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसे हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी जो भी, अगर हमें जो भी वैल्यूज हमने उस पर डिक्लेयर करी है कंपाइल टाइम में, मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे थे उसी वक्त हमने जो भी वैल्यूज इनिशियलाइज करी तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में।
और वेरिएबल्स को हम पहले ही डिक्लेयर इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया तो हम जो भी हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं तो उसमें उसका यूज़ कैसे करेंगे उन वेरिएबल्स का, उनके अंदर जो भी डेटा फीड है उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उन्हें यूज़ में कैसे लाएंगे अपने इंस्ट्रक्शंस में। इसलिए हम अपने वेरिएबल्स को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं सी प्रोग्राम में, ताकि जो बाद में उनके ऊपर कैलकुलेशंस होने वाले या किसी भी तरीके की प्रिंटिंग वगैरह या दूसरे तरीके की जो भी एक्शंस होने वाले हैं उन वेरिएबल्स पे, तो इस वजह से हम अपने वेरिएबल्स को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। और जो मेमोरी है, मेमोरी स्पेस है या जो भी हमारा साइज़ है उस वेरिएबल का, वो भी हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। हम बाद में डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जो भी हमने वेरिएबल बनाया है कि उसकी जो डेटा साइज़ है या मेमोरी स्पेस है वो कितनी लेगा, बाद में हम इसे बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डेटा टाइप में ही हम अपने जो भी हमने डेटा टाइप को हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद वेरिएबल बना दिया, तो उसी वक्त उसका जो भी साइज़ होगा मेमोरी स्पेस वो उसी वक्त बिल्कुल ही डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से, और उसके बाद जब हम इनिशियलाइज़ करते हैं वेरिएबल के, वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कंपाइल टाइम में कर सकते हैं, या जब हम अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं तभी इनिशियलाइज़ कर दीजिए, या अगर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उस डेटा को फीड करा रहे हैं अपने वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं किसी भी डेटा टाइप में, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में हम उस जो भी हमने यूज़र से डेटा लिया उसे फीड करा सकते हैं डायरेक्टली अपने वेरिएबल में और स्टोर करा के, और साथ ही साथ उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डेटा टाइप दे दिया और वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन हो चुकी है और यहाँ पे जो साइज़ था वो भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है हमारे वेरिएबल का अकॉर्डिंग टू डियर डेटा टाइप। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए हमें सिंपली डेटा टाइप लिखना है वेरिएबल नेम और इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। हमें जो भी वैल्यू असाइन करनी है अपने वेरिएबल में, जो भी वैल्यू को स्टोर कराना है अपने वेरिएबल में, तो हम इक्वल्स टू की हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिंटैक्स है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ, int x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स कॉमा y इक्वल्स टू 30 और टर्मिनेट। तो इस तरीके से जो भी हमारे जो भी वैल्यूज़ है उन्हें स्टोर करा सकते हैं अपने वेरिएबल में और उसका यूज़ कर सकते हैं हम अपने आगे आने वाले इंस्ट्रक्शंस में, जो जिसमें हम एक्शंस लेंगे अपने वेरिएबल्स पे। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन में किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट लिए गए डेटा को किस तरीके से स्टोर कराएंगे, वो हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ पे सीखेंगे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव सी डेटा टाइप्स टेबल। तो उसमें देखिए हम लेफ्ट साइड में हमारे पास टाइप है, डेटा टाइप्स हैं, उसके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं और ये स्पेसिफायर्स हैं। स्पेसिफायर्स बेसिकली करते क्या हैं कि जैसे कि हमें प्रिंटिंग करानी हो या स्कैनएफ के थ्रू यूज़र से इनपुट लेना हो या फिर कोई दूसरे टाइप के एक्शंस लेने हो, तो उसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें किस तरीके का डेटा प्रिंट कराना है, क्योंकि हमें कंप्यूटर को समझाना पड़ता है कि हमें इस तरीके का डेटा को यहाँ पे प्रिंट कराना है और इस तरीके का डेटा को हमें इनपुट में लेना है। इसलिए हम स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पेसिफायर्स स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके का डेटा एक्शन में आने वाला है। जैसे कि करेक्टर के लिए हम परसेंट सी लेते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है करेक्टर टाइप की, तो सिंपली हम जो हमारा प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ के पैरेंथीसिस में हम डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो लिख देंगे और उसके बाद परसेंट सी लिखेंगे। जहाँ पे भी आपको लिखना है स्टेटमेंट के बीच में आप लिख दीजिए वहाँ पे परसेंट सी, और उस परसेंट सी की जगह पे डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जो भी आपका वेरिएबल नेम है उस वेरिएबल नेम को लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी आपने वेरिएबल नेम प्रोवाइड किया है प्रिंट एफ के अंदर वो स्टोर हो जाएगा सीधा जाके, मतलब प्रिंट एफ के जो भी आपने फंक्शन, जब आपके प्रिंट एफ की जो भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी तो जहाँ पे परसेंट सी होगा, तो जो भी आपने नेम दिया अपने वेरिएबल का वो सीधा जो भी उसके अंदर डेटा होगा वो सीधा जाके प्रिंट हो जाएगा जहाँ पे आपने परसेंट सी दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे स्पेसिफायर स्पेसिफाई करते हैं हमारे वेरिएबल्स, जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसके डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, और ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके का डेटा एक्शंस में यूज़ होने वाला है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इंट के लिए हम परसेंट आई और परसेंट डी का इस्तेमाल करते हैं, अनसाइंड इंट के लिए परसेंट यू, परसेंट एक्स, परसेंट ओ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लॉन्ग इंट के लिए अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए फ्लोट डबल लॉन्ग डबल और आईडी के लिए यहाँ पे हमने उनके स्पेसिफायर्स बताए हैं कि इन स्पेसिफायर्स की हेल्प से हम जो भी एक्शंस हैं उन्हें ले सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में और अपने आगे की जो भी हमारी एक्शंस लेने हमें अपनी कोडिंग में तो वो हम कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हिट बटन लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो देन बाय गाइज़।